तमिलनाडु में ओमिक्रॉन ब्लास्ट केवल एक केस था। 24 घंटे में आए 23 नए मामले, पूरे देश का आंकड़ा 287 हुआ। दिल्ली में सेलिब्रेशन बैन, ओमिक्रॉन के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर लगाई गई रोक। 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और सिनेमा घर। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में मतगणना शुरू, वोटों की गिनती जारी। कांग्रेस निकली आगे, भाजपा पीछे। जम्मू कश्मीर के वानपोरा में 5 किलो आईईडी बरामद, आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। देश के कई स्कूलों में कोरोना वायरस से हड़कंप, बिलासपुर में 23, नदिया में 29, अंबाला में 4 और जालंधर में 25 बच्चे संक्रमित। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का रिजल्ट रोका गया, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। ओबीसी सीटों सहित सभी के नतीजे एक साथ होंगे घोषित, सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में फैला कोरोना, 2 महीने बाद 24 घंटे में मिले 30 संक्रमित। इंदौर भोपाल में डबल डिजिट में केस, एक्टिव केस की संख्या 200 के करीब। हिमालय में बर्फबारी, एमपी में बढ़ाएगी ठंड, बारिश की भी संभावना। 3 दिन बाद इंदौर भोपाल और ग्वालियर में असर दिखेगा। रीवा में दिन के बाद रात का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा, अब 27 से बारिश की संभावना। रीवा के द हाई ट्राइब हुक्का बार में पुलिस की दबिश, 1 दर्जन से अधिक हुक्का हुआ जब्त, प्रशासन की गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन।